कीजिए टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि एक मेरा वीडियो था विवाह पंजीकरण का, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। और विवाह पंजीकरण के लिए एक नए तरीके से फिर आप अब ये विवाह पंजीकरण सबके लिए, इसके पहले जो दोस्तों विवाह पंजीकरण था वो सिर्फ हिंदू ये था जिस पे लिख के यहाँ आता था कि विवाह हिंदू विवाह पंजीकरण। तो अब ये जो वेबसाइट में इन्होंने बदलाव कर दी है, अब ये विवाह पंजीकरण सबके लिए है। चलिए इसी पे मेरा ये वीडियो है और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो ये आप पढ़ लीजिए। जिन व्यक्तियों का आधार कार्ड बन चुका है उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में विवरण दर्ज है तो वे बिना प्रबंधक कार्यालय सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नीचे दिए गए विकल्पों से में से आवेदन आधारित विकल्प का चयन कर विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आवेदन जो है आधार आधारित ये अभी बंद है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। ये जब शुरू होगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, और उससे पहले आवेदन कार्यालय आधारित है। चलिए यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ आ गया, हमको नवीन आवेदन भरना है। और पिछले वीडियो में आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं कि क्या साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो की और क्या साइज़ होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। और अब दोस्तों काफ़ी सुविधा हो गई है कि अब हमें उम्र के लिए अपने कोई भी मार्कशीट वगैरह नहीं लगाना है, आप सीधे अपने आधार कार्ड को इससे अपलोड कर दें। उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए उसी तरह से आ गया है। यहाँ पर कई चीज़ों की बदलाव कर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले आता था तहसील के बाद, जैसे जिला अगर आप चुनते हैं, जैसे अमेठी चुना, अमेठी के बाद यहाँ तहसील चुन लेते हैं, और उसके बाद यहाँ आता था हमारा मोहल्ला। तो देखिए वो कालम भी गायब हो गया है, ठीक है, काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। चलिए इसको भर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको भर के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमने अपनी डिटेल को भर लिया है, आप अपनी डिटेल को भर के चेक कर लें। चेक करने के बाद सुरक्षित करें क्लिक करेंगे। जैसे सुरक्षित करेंगे पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आ जाएगा फिर पत्नी का विवरण, तो आप वहाँ पे पत्नी का विवरण भर देंगे। चलिए ये देखिए पत्नी का विवरण आ गया। चलिए मैं आपका विवरण जो भी होगा उसको भर दें। तो ठीक, हमने यहाँ पत्नी का विवरण भर लिया है। और यहाँ पहले देखिए पति का विवरण, फिर यहाँ पत्नी का विवरण, जो भी आपका नाम हो आप डाल देंगे। और अगर आप विवाह का पूर्व भी नाम कुछ होगा आपका और विवाह बाद कुछ रखना चाहते तो वो यहाँ भर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो विवाह के समय की परिस्थिति है वहाँ पे ध्यान देंगे कि अविवाहित चुनेंगे, ठीक है। अगर एकल आप चुनते हैं तो फिर आपको एकल चुनने के साथ परेशानी होगी, इसलिए यहाँ अविवाहित चुने। और अगर आपकी ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी डाल दें, ठीक है, सॉरी ईमेल आईडी भी अपनी डाल देंगे। आपकी जो भी ईमेल आईडी है उसको डाल देंगे, ठीक है। यहाँ फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये नंबर मैंने रेंडम ही रखा है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए है। और आपका यहाँ जनपद चुन लेंगे, उसके बाद आपकी तहसील, ठीक है, उसके बाद आप सुरक्षित करें तो बढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित करने के बाद अब यहाँ पे से आप ये देख सकते हैं विवाह स्थल आ गया, तो विवाह स्थल में भी आप अपना भर देंगे। विवाह स्थल भरने के बाद आपका जो भी विवाह का दिनांक होगा आप विवाह का दिनांक डाल देंगे। विवाह का दिनांक डालने के बाद यहाँ देखिए ये दिया है विवाह पंजीकरण कार्यालय का चयन का आधार। आप यहाँ पे तीन तरीके से पंजीकरण चुन सकते हैं, पति का निवास, पत्नी का निवास, विवाह स्थल से। तो आपको जो भी चुनना चुन ले, उसके बाद जैसे ही आप करेंगे फिर वहाँ से आपका ये उपनिबंधक कार्यालय जहाँ भी होगा वहाँ ये आप उस पर सेलेक्ट कर लेंगे पता करके। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि आपका किस रजिस्ट्रार ऑफिस के हैं या किस रजिस्ट्रार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करने के पहले अपने निकटतम उपनिबंधक कार्यालय में जाकर वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि हमारा किस रजिस्ट्रार। आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कि पति या पत्नी या विवाह स्थल से ही आप कार्यालय का चयन करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर पता करके उसके बाद ही करें। चलिए फिर यहाँ हम इसको सुरक्षित करेंगे।
सुरक्षित करने के बाद फिर यहाँ पे हमको देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया है, तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, मैं इसको भी चेंज कर दूँगा क्योंकि इसको भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जो भी है छायाचित्र प्रमाण पत्र उसको अपलोड कर देंगे। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों अधिकतम जो फोटो की साइज़ होगी 40 KB होगी, और यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ आयु के साक्ष्य में देखिए पहले यहाँ बहुत से डॉक्यूमेंट आते थे, हाई स्कूल, पैन कार्ड, तो यहाँ से वो सारी चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ यहाँ आधार कार्ड से हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको भर के आपको दिखाता हूँ। चलिए हमने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है और इस फोटो को भी आप ध्यान मत दीजिएगा, फोटो किसी और की है। बहरहाल ये जो भी है मैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक सुरक्षित हो गया। ठीक है, आप यहाँ से पूर्वावलोकन कर लें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपने जो भी भरा है उसका पूर्वावलोकन कर लीजिए। अगर आपका ये सब कुछ सही है और आपको कोई संशोधन नहीं करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर चेक मार्क लगा के पूर्ण सुरक्षित पर क्लिक कर दें। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड आप इसको कहीं नोट करके रख लें। चलिए मैं बताता हूँ, अगर आपको इसका सेव करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए भुगतान करने पे क्लिक नहीं करें, आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर वहाँ से आप अपना जो भी फीस है इसकी जमा करें। चलिए मैं अब यहाँ से गैलरी से वापस आ गए, फिर हम आवेदन करने पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमने अपने उसकी स्क्रीनशॉट ले रखी थी, ठीक है, तो आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रहेगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप विंडोज़ की को एक दबाएंगे और उसके बाद प्रिंट स्कैन पे क्लिक करेंगे। मैं आपको उसका कीवर्ड दे देता हूँ, आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे होगा, उसका मैं कीवर्ड आपको बता दूंगा, ये आप कीवर्ड इसको इस्तेमाल करें। चलिए यहाँ से अपना यूज़र आईडी भर लें। तो अभी इस पे करना क्या दोस्तों, लास्ट में लोग फंस जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आप भी फंस जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसका प्रिंटआउट लेके नहीं जा पाएंगे, तो प्रिंटआउट लेने के लिए क्या करना होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी भर देते हैं। तो आपका जो ये पासवर्ड था उसको याद रखेंगे क्योंकि अभी इसको चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ से आप यूज़र आईडी डालने के बाद पासवर्ड अपना एंटर करेंगे, हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है, हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए ये आपका आपने यहाँ से किया था, आपने जो वर्तमान पासवर्ड है उसको आप यहाँ से डाल लें, और डालने के बाद फिर यहाँ पे अपना नया पासवर्ड बना के सुरक्षित कर लें। चलिए मैं बताता हूँ, हम अपना पुराना डाल लेते हैं। चलिए हमने यहाँ अपना पासवर्ड डाल लिया है और यहाँ पर हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। तो देखिए सुरक्षित जैसे ही हमने किया यहाँ से ये ब्लैंक हो गया, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उसी पेज को हम दोबारा फिर से खोल लेंगे युवा पंजीकरण पे, युवा पंजीकरण पे कार्यालय पे चले जाएंगे। यहाँ से हम अपनी लॉगिन आईडी डाल देंगे, यहाँ हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, और कैप्चा को डाल के प्रवेश करें पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट ओपन हो गया। अब आप चाहे यहाँ से आपका अगर रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं मालूम है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। और अभी हमारा ये फाइनल प्रिंट चला गया है, तो अब इसमें हमारा कोई भी संशोधन नहीं होगा सिवाय पंजीकरण कार्यालय बदलने के लिए। तो अब ये देखिए ये जो है प्रिंट करें, आवेदन प्रिंट करें। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों ने मुझे हमसे पूछा है कि सर हमने ये अप्लीकेशन तो भर दिया है और ये प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है। तो यहाँ पर इसको हम सेव एज पे अपना जो भी आप फाइल कहीं भी सेव करना चाहते हैं कर लें। ये देखिए यहाँ पे सेव करने के बाद आपको दोस्तों एक परेशानी आएगी, जिसमें हमने सर डॉक्यूमेंट सेव कर लिया है। यहाँ पे हमको देखिए प्लीज़ इंटर ए पासवर्ड, अब ये पासवर्ड क्या है, या आपने जो पासवर्ड चेंज किया वो है या कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने जो पासवर्ड चेंज किया ये वो बिल्कुल भी नहीं है, और ये पासवर्ड जो आपका है आपकी यूज़र आईडी ही आपका पासवर्ड है। तो आपने जो भी यूज़र आईडी बना मतलब आपको जो मिली थी वही इसका आपका पासवर्ड है। तो इसको
अपना यूज़र आईडी डाल दें। यूज़र आईडी डालने के बाद आप इसको ओके करें। देखिए फॉर्म खुल गया फटाक से। अब आप ये फॉर्म को प्रिंट निकाल के अपने निकटतम निबंधन कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंट ले लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।